हम लेके आ चुके हैं आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ है रेशमी चमोली, रोशनी चमोली, रोशनी चमोली, चमोली रोशनी चमोली जी। मैडम आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने अभी एक हफ्ते पहले भी किया, लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है किरण नेगी के इंसाफ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज हमारी बौद्धिक हमारा ग्रुप है जो चिंतन है उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि किरण नेगी की हत्या हुई है तो अपराधियों को खुलेआम क्यों छोड़ा गया, क्यों अपराधियों को सजा नहीं हुई, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन अपराधियों को क्यों छोड़ दिया गया। अगर किरण नेगी को मारा गया है तो अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, उनकी फांसी की सजा को क्यों माफ किया गया, और अगर किरण नेगी मरी नहीं है तो किरण नेगी कहाँ है, कोई कहीं ना कहीं तो किरण नेगी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हमारी ये शासन के खिलाफ, हमारी अपनी न्याय व्यवस्था के खिलाफ, हमारी इस भारत के संविधान के जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो नारा लगता है उसके जो धरातल पर नहीं उतरा है उसके खिलाफ आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि सरकार से ये पूछे हम कि अगर किरण नेगी जिंदा है तो उसे ढूंढ कर लाया जाए, और अगर किरण नेगी के साथ लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखते हुए उन अपराधियों को फांसी की सजा दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर उसको छोड़ा। तो ये हमारा इस न्याय प्रणाली, इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ आज प्रोटेस्ट है हमारा, उनके खिलाफ यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन है जिसमें तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सरकार से हमारा सवाल रहेगा कि वो किल्ड किरण नेगी, किरण नेगी को किसने मारा, और अगर किरण नेगी की हत्या नहीं हुई, रेप नहीं हुई, तो किरण नेगी कहाँ है। धन्यवाद।